एक बात सुन लीजिए, अतीक अहमद और उनका परिवार आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। और मैं अभी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। जो उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ वो तो पुलिस इनकाउंटर था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। और आज रवीश कुमार जी का मैं सुन रहा था कि कई बिल्डर, कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनके नाम अतीक अहमद ने लिए हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। ईडी आईटी सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए, उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। आपराधिक जो समूह है, चाहे आपराधिक व्यक्ति हिंसा का या अपराधी जो कि इस प्रकार के लोगों से संपर्क करके पैसा कमा रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और मैंने सुन लीजिए, मैंने मांग की है कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो जांच आयोग बनाया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये भी डालिए कि अतीक अहमद के किन किन से आपराधिक किन किन से व्यावसायिक संबंध थे, कौन कौन से नेताओं से संबंध थे, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया लेकिन माफिया तो जिंदा है, उन माफियाओं पर को भी खत्म करना चाहिए। सर आपने संगठन की बात की है, लेकिन गोली मारने के बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपको दे दो। हाँ बोलो बोलो, पूछो ना, पूछो ना। सर आपने संगठन मजबूत करने की बात कही है, कल वचन पत्र समिति की बैठक थी और पॉलिटिकल अफेयर की बैठक थी, तो सर जिताने वाले नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात कही, क्या रूपरेखा है? रूपरेखा आपको ब्रीफ करेगी पीसीसी।